हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको क्या सिखाएंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान का होता है ओकर सूत्र का होला और अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र का होला। ठीक ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान का होला ओके सिखाए। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जौन वाक्य ओकर सूत्र का होला। ठीक, तो हम तो बता देते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जौन पहचान होले यहाँ पर लिख दिया गया है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में। ठीक ना, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, या थी, ई थी, ये थे, ई थी आदि शब्द आते हैं। ठीक ना, ये ध्यान रखिए। तथा इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है, मतलब इसमें दो कार्य पाया जाता है। समझ में आ रही बात ना, इसमें कार्य पाओ जाए, दो ठे कार्य पाओ जाए। ठीक ना, एगो पहले हो, एगो बाद में हो। ठीक ना, याद रखना। आगे कह रहा है कि एक सहायक क्रिया हेड होती है। ठीक, तथा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप बी थ्री का प्रयोग करते हैं, वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक, तो सुना ध्यान से, हम आपके क्या बतौलिए, हम आपके ये बतौलिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान बोले वो क्या आप ही बतेबा। अब देखा, हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक ना, और एक सहायक क्रिया क्या बतेबा, हेड होती है। इसकी सहायक क्रिया क्या बोले, हेड बोले। ठीक, और यहाँ पर सूत्र में क्या लिखल, कर्ता, एक बाद क्या लिखवा, हेड, एक बाद मुख्य क्रिया, या भी कम लोग मेन वर्ड, एक मुख्य क्रिया बी थ्री का मतलब मुख्य क्रिया का तीसर का रूप लगेगा। ठीक ना, आ कर्म अन्य बातें। ठीक, तो इतनी बात ध्यान रखिए, हम आपके क्या बता लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान बता दिली। एक गो सहायक क्रिया वाला याद रखबा, एक गो सहायक क्रिया जेकर नाम हैड, का वाला हैड, ओकर नाम का हैड, एच ए डी। ठीक ना, हैड वाला। और याद रखिए, मुख्य क्रिया के अंत में कौन सा रूप लगी, मुख्य क्रिया का तीसर का रूप लगी, जेके बी थ्री कहा जाना ना, एगो बी वन होला, एगो बी टू, एगो का होला बी थ्री होला। इतनी बात तू याद रखवा। ठीक ना, तो ए मत बी थ्री का प्रयोग करवा। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का जवन सूत्र, ठीक ना, एक याद कर लेवा। याद कैले के बाद ए पर जवन भी उदाहरण आई ओके यही सूत्र से आप क्या करवा, ओकर अंग्रेजी में अनुवाद करवा। ठीक ना, तो हम आपके बताओ थी एक उदाहरण। ठीक, ध्यान से देखिएगा। मैं इस खेल को पहले, ठीक ना, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था, पहले ही देख चुका था। ठीक ना, ध्यान से देखना, आपको चुका था यहाँ का क्वेश्चन मार्क ना, साधारण वाक्य का साधारण वाक्य, ध्यान से देखिए, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। ठीक ना, एक अंग्रेजी कैसे बनी बा, एकदम यही सूत्र से बनी बा, पहले कर्ता लिखा तो ये पूरे वाक्य में कर्ता कैसे जुड़ बा, कौन का प्रश्न जब करबा, जौन उत्तर में आई वही का करबा, कर्ता। ठीक ना, तो अब एमा प्रश्न उठावा, प्रश्न का उठीबा, कौन पहले ही खेल देख चुका था, मैं उत्तर में कहा था मैं ना, तो मैं का करता, तो एक अंग्रेजी लिखवा, मैं का अंग्रेजी आई बोला। ठीक, आई, एक बाद तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग करवा, तो सहायक क्रिया कब होली, याद रखिए, सहायक क्रिया का होले, सहायक क्रिया कब हो। ठीक ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया एक गो होले, वो करना कहा है ड। ठीक ना, एक गो सहायक क्रिया, दूठे ना होले, याद रखिए, ये बात की ध्यान देवा, दूठे मत बताइए, एक गो बताइए, अगर कहना है ड ना, तो अब एक बात का लिखवा, कर्ता लिख लेला, तो हेड लिखवा यहाँ से, एक बाद अब क्या लिखवा, मुख्य क्रिया, मेन वर्ड, तो मुख्य क्रिया का होले, तो मुख्य क्रिया अब देखा तो क्या बताओ, मुख्य क्रिया में कैसे ढूंढबा, जमने के लास्ट, जमने शब्द के लास्ट में ना आई ओके क्या करवा, मुख्य क्रिया करवा। समझ में आती बात ना, तो देखना यहाँ पर देखना का मुख्य क्रिया, तो सबसे पहले आपका देखना का अंग्रेजी लिखवा, तो देखना का अंग्रेजी का बोले सीन, का बोले सीन बोले। ठीक ना, हम बेथरी है, तो बेथरी मतलब सी माने देखना होता है, कती सरकार रूप सीन होला ना, एक याद रखवा, ग्रामर रख ले ना, ग्रामर किताब अंग्रेजी ग्रामर का, उमा आप देखवा, तो बी वन बी टू बी थ्री दे ले ना, तो आप याद रखवा। ठीक ना, तो एमा बी थ्री का प्रयोग हुई, आई हैड सीन, अब यहाँ तो हो गया बात कर्म, तो मक कर्म ढूंढा, तो मक कर्म का आए के ढूंढे के पड़े। ठीक ना, तो यहाँ पर इस खेल को, तो दिस गेम का लिखेंगे, दिस गेम। ठीक ना, दिस गेम आए करे बात पहले, तो पहले का अंग्रेजी का होला, पहले का अंग्रेजी बिफोर लिखवा, का लिखवा बिफोर, बी एफ ओ आर ई बिफोर। ठीक ना, फुल स्टॉप। तो मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था कि अंग्रेजी में आप क्या बनी बा, ये सूत्र के तो याद करके हुई। ठीक ना, ये सूत्र याद करे बा, तो एक अंग्रेजी आराम से आप बना पाई बा। ठीक ना, एक का लिखवा, आई हैड सीन दिस गेम बिफोर। ठीक है, अब उदाहरण नंबर दूसरा तो बताओ थी, ध्यान देखा,
उदाहरण नंबर दूसरा लिखा थी यहाँ पर, समझ में आ जाए वो दूठ उदाहरण ले ले और दूठ अवरी ले ले, कुल मिला के चार उदाहरण दे देना तो तोके एकदम समझ में आ गई, टेंशन मत लिया ठीक ना, एकदम ग्रामर तोके जोन 12 को टेंस होला एकदम क्लियर समझ में आ जाए ठीक ना, घबरे ले कोनो दिक्कत ना। अब देखा ध्यान से, अब एक क्या करवा उदाहरण नंबर दूसरा यहाँ लिखवा तब ना लिखे लिखवा तबे तो लिखा उदाहरण नंबर दूसरा लिखा, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था। अब ध्यान से देखा, वह स्कूल जा चुका था, अब एक अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करवा, यहाँ पर देखा इका साधारण वाक्य, ध्यान से देखा तो इका साधारण वाक्य केकर पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब हिंदी में कहा था साधारण वाक्य ठीक ना, तो ये साधारण वाक्य बनौले का जो सूत्र जो स्ट्रक्चर होला वो का लिखने है। अब देखा अब एक रट्टा लगेबा, कर्ता लिखवा एक बार सहायक लिखवा, फिर मुख क्रिया, अब मुख क्रिया कौन रूप लगेबा तीसर कारू, एक बार लास्ट में का लिखवा कर्म ना। से देखा एकदम तो उदाहरण नंबर दूसरा समझ में आ जाए, वह स्कूल जा चुका था, तो सबसे पहले तोके ना पता एमें ना पता ना समझ में आवा था कि मतलब कर्ता का, तो कौन का प्रश्न कर गया, कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आई ना ओके कर्ता नाम देवा ठीक, तो हम प्रश्न करते हैं सुना ध्यान से, हमारे बात सुना ध्यान से, कौन स्कूल जा चुका है उत्तर में क्या हुआ था कौन, उत्तर में क्या हुआ था कौन, ध्यान से सुनिए हमारे बात ना, तक कौन तो कौन का, अरे कौन स्कूल जा रहा है वह उत्तर में क्या हुआ था वह, तो वह अंग्रेजी लिखवा, अब वह अंग्रेजी घरे अनुसार लिखवा ठीक है, अपने अनुसार ना लिखे क्या, अपने अनुसार लिखवा तो गलत हो जाए, केकरे अनुसार लिखे क्या स्ट्रक्चर के अनुसार लिखवा ठीक ना, तो करता है मका हुआ तो वह अंग्रेजी तो के पता क्या बोले ही बोले ही माने हुआ बोला ना, चुका था मतलब लड़का, तो ये हियर लिखवा एक बात का लिखवा सहायक क्रिया हैड लिखवा ठीक ना हैड। अब एक बार मुख क्रिया, तो मुख क्रिया का कौन रूप लगेगा तीसर का रूप, जो लिख लेंगे देखा जो लिखना है बेथरी, अब ध्यान सुना जाना का तीसर का रूप का होगा, पहले तो हम तुमको बताई भी था बगल में बताओ ठीक चुपके से देखा ध्यान से, इसमें एडिपा में देखा ध्यान से, एडिपा में ध्यान से देखा देखा गो माने जाना होला ठीक, एक दूसर का रूप का होला बेंट होला, तीसर का रूप का होला गान होला, तो एम कौन रूप लगी ई वी टू आई वी थ्री आई वी वन है ना, बात तो समझा तोरे पास अंग्रेजी ग्रामर हो ना जो जूनियर का ग्रामर होला ठीक ना, वो मैं देखवा तो दे ले अंग्रेजी वी वन वी टू वी थ्री का मान ठीक ना, तो ओके तू याद करवा ठीक, याद करवा तब हाई जो हिंदी में हम लिखा थी तुरंत तू बना ले अंग्रेजी में ठीक ना, तो की याद करे कोई देखा एम कमर रूप लगी बात तीसर का तो ही हैड गान का लगी बा गान गान आ टू कहाँ जात हुआ स्कूल है ना, तो गान टू स्कूल यस सी एच डबल ओ स्कूल फुल स्टाफ ना, तो ध्यान से देखा हुआ स्कूल जा चुका था, एक अंग्रेजी में क्या बतेबा एक अंग्रेजी का लिखवा याद रखे ही हैड गान टू स्कूल लिखवा ठीक ना, करेक्ट आंसर एक ठीक। अब हम तो के दूठ उधार ले ले दूठ ठेवरी बता देना तो चार हो जाए, चार को उदाहरण में तोके पूरा समझ में आ जाए, एकदम टेंशन मत लिया ठीक ना, एकदम घबरा के पढ़ा मत एकदम आराम से पढ़ा ठीक ना। देखा उदाहरण नंबर तीसरा लेते हैं ठीक, उदाहरण नंबर तीसरा बताओ बता पता क्या करे वही ना पता है ना, ऐसे जो है बोर्ड पर लिखा गया है ना पूरा उसे मिटावे के वही ना, तो मिटा ले तब बताओ ठीक, नंबर तीसरा लिखा ठीक ना, उदाहरण नंबर कौन सा तीसरा ठीक, बात के समझा उदाहरण नंबर तीसरा का हुआ, एक पत्र लिख चुकी थी वह एक पत्र लिख चुकी थी ठीक ना, ध्यान से देखा वो एक पत्र लिख चुकी थी, तो मतलब कहीं ना कहीं लड़की है ठीक ना, लड़की है तो एक अंग्रेजी है सूत्र के अनुसार बनी भाई, सूत्र तो के याद करे को भी सबसे पहले कर्ता लिखवा, तो कर्ता का कौन का प्रश्न करा कौन पत्र लिख चुकी थी वह, तो वह अंग्रेजी लिखा ठीक ना, तो सी माने का बोला वह बोला सी। अब एक बात का लिखवा ध्यान से देखिए, एक बात तुरंत सहायक के लिखवा ठीक ना, सी हैड ठीक सी हैड और मुख क्रिया कौन सा रूप तीसर का रूप, तो तीसर का रूप जो होला राइट में लिखना होकर तीसर का रूप रिटेन होला का बोला रिटेन डब्ल्यू आर आई डबल टी एन रिटेन ठीक ना, का लिखवा डब्ल्यू आर आई टी एन रिटेन एक पत्र तो अ लेटर एल ई डबल टी आर अ लेटर फुल स्टार ठीक ना, तो वह एक पत्र लिख चुकी थी, एक अंग्रेजी का बनी बा एक अंग्रेजी बनी बा सी हैड रिटेन अ लेटर समझ में बात ना, तो ये सूत्र के पूरा याद कर लिया ठीक, जब भी तुके याद रही था एक अंग्रेजी आराम से आप बना ले बा ठीक ना। अब एक उदाहरण नंबर और लेती और तुके बताओ थी ठीक, उदाहरण नंबर चार ले ला ठीक, तो यहाँ से लिखवा उदाहरण नंबर कितना चार,
तीसरा रहला चौथा रहला चार गो उदाहरण से सीख जेबा मर्दवा टेंशन में थोड़ा ठीक ना। उदाहरण नंबर चार से क्या करबा सीख लेबा ठीक है ना। उदाहरण नंबर चार लेथिन स्कूल पहुंचने से पहले ठीक है ना। ध्यान देखा मेरे स्कूल पहुंचने से पहले पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी ठीक ना। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी ना। तो इका अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य जगह का बोलबा साधारण वाक्य ठीक ना। तो अब एक अंग्रेजी में कन्वर्ट करने बदे सबसे पहले आपके क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से बनाना होगा वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो भाई देखो वर्षा आरंभ हो चुकी थी तो मैं तो करता और था पता ना चली ठीक ना। तो करता बदे तो कि ईट लगा कोई क्या लगा कोई ईट समझ में बात ना। तो ईट लिखवा ईट हैड ठीक ना। ईट हैड एक बाद यहाँ से इधर का बने ठीक ना। आरंभ हो चुकी थी तो एक का हुई बिगे अगर तीसरा रुका हुई बिगुन हुई ठीक ना। ईट हैड बिगुन टू रैन आ रहे हैं रैन ठीक ना। रैन आप पहले अंग्रेजी का बिफोर बी एफ ओ आर बिफोर। अब देखा यहाँ से लेके यहाँ तक टुका लिख भाई इट हैड बिगन टू रैन बिफोर ठीक ना। अब एकरे बाद जौन बनी वो पास्ट इनिफिनिट टेंस में बनी। और पास्ट इनिफिनिट टेंस का जौन साधारण वाक्य होला ओके मुख्य क्रिया कौन सा रूप लगेला दूसरा रूप ठीक ना। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले का अंग्रेजी लिख दिए हैं। अब क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा लिखेंगे आई रिच्ड आर एस एस आई रिच्ड रिच माने पहुंचना लेकिन तीसरा रूप का बोला रिच्ड बोला ना रिच्ड स्कूल यस सी एच डबल एल स्कूल फुल स्टाफ ठीक है। पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी तो याद रखिए अगर अंग्रेजी कैसे बनी बा सबसे पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी इधर का बनी बा ठीक ना। तो इधर का जो बनी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनी याद रखिए ठीक ना। इट हैड बिगन टू रैन बिफोर आय कर बाद जब हाई मेरे स्कूल पहुंचने ना तो यहाँ कर अंग्रेजी के में बनी बा पास्ट इनफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में बनी बा। आ पास्ट इनफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का होला सेकेंड रूप लगेला ठीक ना। ये बात याद रखबा तो आई रिच माने पहुंचना सेकेंड रूप का होला सेकेंड रूप होला रिच्ड ठीक ना। आई रिच्ड स्कूल फुल स्टॉप ना। तो एक अंग्रेजी ये बनी ठीक। तो उम्मीद करत हैं कि आपके जरूर समझ में आलोई पास्ट परफेक्ट टेंस का जोन अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र मैंने आपको बता दिया ऊपर चार गो उदाहरण बता लिए ना। तो आपके जरूर समझ में आ रही उम्मीद आपसे करा थी ठीक है। यदि ये वीडियो आपके अच्छा लगा हुई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिला थी अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।